गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि हम जीओसी का पार्ट वन लेने वाले हैं, तो जीओसी का पार्ट वन में क्या क्या आएगा। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बेसिक बताई थी, जीओसी वन और जीओसी टू पढ़ेंगे, है ना। तो जीओसी वन बताया था उसमें हम जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को छोड़ के जितना भी शुरू का बेसिक वाला पार्ट है वो दो तीन वीडियोस में कवर कर लेंगे। हो सकता है आपको छोटी छोटी 10 या 15 मिनट की वीडियोस आएँ तो उनको देखकर आप कवर कर लोगे अच्छे से, ठीक है ना। देखो, ये वाली बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो बहुत बेसिक है, बहुत मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन उनका क्या होता है बड़ी चीज़ों में यूज़ होता है। अगर वो छोटी चीज़ आपको अभी पता नहीं होंगी तो आगे जब हम बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे, कठिन चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो आपको करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ते हो तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको ऑर्गेनिक कभी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए चैप्टर का ही नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल चीज़ें अपन को पढ़नी है, बहुत हाईफाई चीज़ें नहीं आती इसमें। हाईफाई चीज़ें आएंगी आगे, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, वो हाईफाई चीज़ें कराती है, ठीक है ना। वो पेपर में भी आती हैं और कठिन भी होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है ना, जिनको लगती हैं जिससे आपको कठिन नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। अच्छा, मैं पढ़ाने से पहले आपको स्टार्ट कर दूँ, बता दूँ कि आपको जब भी कोई भी लेक्चर देखना है तो आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, और रिवीजन बहुत अच्छे से होगा तो आपका क्या होगा, फाइनल में एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रिवीजन ही मैटर करता है सबसे ज़्यादा, और रिवीजन तब अच्छे से होगा जब आपके नोट्स अच्छे दिखेंगे, आपको रिवाइज करेंगे उनको बार बार, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ नोटबुक और अपना पेन साथ में लेकर बैठिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है ना, और आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात, केमिस्ट्री पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद वादा करूंगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद ही फिजिकल और इनऑर्गेनिक में आ पाऊंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम कंप्लीट ही करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक वाले लेक्चर पढ़ा दूंगा उसके बाद डीपीपीस आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन बेसिक और बेसिक जो मैं पढ़ाऊंगा आपको जनरल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, आप डीपीपी करोगे, उसके बाद कुछ 2-3 महीने बाद आपके टेस्ट भी लूंगा मैं, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो चैनल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं जीओसी का लेक्चर वन। यहाँ पर छोटी सी वीडियो रहेगी वाली, आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें आपको बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन अपन को मेन एलिमेंट्स की तरह मिलती है, बट कभी कभी हमको बट समटाइम्स अलॉन्ग विद सब एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेक्स का मतलब हैलोजन्स भी अपन को उसमें देखने मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये ओल्ड डेफिनेशन है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने सर्च किया, अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी, एक्सपेरिमेंट किए, जो अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट बताया उसके बाद ये वाली डेफिनेशन निकल कर आई कि भैया जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें मेन एलिमेंट क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना जरूरी था, डेफिनेशन बताई। इसके बाद एक न्यू डेफिनेशन वही किस बेसिस पर आई, जैसे आपको वहाँ पर बोला गया डेफिनेशन में, जो भी कंपाउंड जिनमें मेन एलिमेंट क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, बट जैसे कि अपन को यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो मेथेन है, जब हम मेथेन में से 4 हाइड्रोजन हटाकर 4 Cl जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड बन किस तरह है, एक हाइड्रोकार्बन से बनना है, मतलब जिसमें हाइड्रोजन है, मतलब ये किसका डेरिवेटिव हुआ, एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हुआ। तो जो भी तो न्यू डेफिनेशन निकल कर आई कि द कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स एंड डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये न्यू डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मेन एलिमेंट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, न्यू डेफिनेशन का अकॉर्डिंग। ये आपको याद रखना है, मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको 9th 10th में पढ़ के आए हो, उतना इनमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनमें ध्यान देने की जरूरत है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जैसे कि बॉन्डिंग अनऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको पता होगा कि जो हमारे पास मेथेन होता है, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है यूनिवर्स में, ठीक है ना। तो क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें मेनली अपन को कौन सी कोवलेंट बॉन्डिंग देखने मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास बॉन्डिंग 3 टाइप की होती है, आयनिक बॉन्ड होता है हमारे पास, कोवलेंट होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड होते हैं उनके पास अपन को कौन सी देखने मिलती है, अपन को कोवलेंट बॉन्डिंग देखने मिलती है। कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बोल देते हैं, और जो बॉन्ड बनता है उसको अपन कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं।
जैसे कि अपन मेथेन का एग्जांपल ले ले रहे हैं, यहाँ पर कार्बन है उसके आउटर मोस्ट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि रेड वाले इलेक्ट्रॉन आपको कार्बन के दिख रहे होंगे, कैसे 4 इलेक्ट्रॉन दिख गया, ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, जैसे हाइड्रोजन इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, एक क्रॉस वाले कौन से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, तो यहाँ पर शेयर कर लिया। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा इनमें 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो मेथेन कैसा हो जाएगा, CH4 कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको, है ना, ऐसा दिखता होगा आपको स्ट्रक्चर CH4 का, ऐसा ऐसा है ना, तो क्या करता है 4 बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाता है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में आपको समझाऊंगा आगे, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये मिटना नहीं चाहिए, आप इसको नोट करेंगे अच्छे से क्योंकि, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, तो बॉन्डिंग आई थिंक आपको समझ में आई होगी, कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है ना। तो अब हम हाइड्रोकार्बन में आते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जिन भी एलिमेंट्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कैसा होता है मेन एलिमेंट फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं जिनमें कुछ सब एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते थे, बट यहाँ पर सब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बस प्रेजेंट होते हैं मेन एलिमेंट की तरह। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें अपन को डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड देखने मिलता है, एल्केन्स कहलाते हैं, ऐसे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जिनमें अपन को डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने मिलता है, तो जिन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड देखने मिलता है वो एल्किन कहलाते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड देखने मिलता है वो क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आया होगा, हाइड्रोकार्बन आगे एक चैप्टर है वो भी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में GOC के बाद, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, अभी हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्किन कहलाता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्किन कहलाता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लोगे, ठीक है ना, अपनी नोटबुक में। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है, लाइन एंगल फॉर्मूला। अब लाइन एंगल फॉर्मूला क्या कहलाता है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देख लो, सबसे पहले जैसे मैं समझा रहा हूँ, अपन क्या लिखते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं, कार्बन लिखते हैं, कार्बन की चेन बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहलाता है। लेकिन जब इसी को अपन इस तरीके से लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला कहलाता है, और जब इसी को अपन ऐसे लाइन के फॉर्म में लिख देते हैं क्या कहला देंगे, लाइन ड्रॉइंग कहलाती है, लाइन वन फॉर्मूला कहलाता है, लाइन का मतलब वही तो समझा, लाइन फॉर्मूला। अब इससे अपन सीखते क्या है, यहाँ पर देखो मेरे पास मान लो ब्यूटेन है, ये क्या है, एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन का लाइन बॉन्ड फॉर्मूला है। यहाँ पर जो ये डॉट, यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ ये जो डंडा है, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रही है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड को। और यहाँ पर ये लाइन के जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम को, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है ना, ये दो तरफ से तो वैलेंसी फिल हो गई, मतलब यहाँ पर दो हाइड्रोजन और अटैच होंगे ना, सेम यहाँ पर दो हाइड्रोजन क्या होंगे, और अटैच होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी अपन को फिल करनी पड़ती है, तो अपन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं, और जनरली हम इनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अच्छे से नोट करो, है ना, सीखो चीज़ों को समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया एग्जांपल, तो हमने इसका एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पर ये वाली जो बॉन्ड है ना ये क्या कहें हैं, कार्बन एटम है, और ये जो लाइन है वो क्या है, बॉन्ड है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चीज इथेन में आपको देखने मिल रहा है, जैसे हमारे पास इथेन में क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पर एक कार्बन एटम्स देखने मिल रहे हैं ना, ये हमारे पास सॉरी ये प्रोपेन है, ये वाला इथेन है, ठीक है ना, तो 3 कार्बन एटम है, तो यहाँ पर क्या कार्बन एटम्स देखने मिल रहे हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग बॉन्ड देखने मिल रहा है ना, तो ये अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ कार्बन एटम। अब टाइप ऑफ कार्बन एटम ये आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के होते हैं, क्वार्टनरी टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जब कोई कार्बन एटम देखो, जब कोई कार्बन एटम यहाँ पर देखो, जैसे कोई एक वाला कार्बन एटम को दिख रहा है ना, ये कार्बन एटम एक सिंगल कार्बन से अटैच है, या ये वाला कार्बन एटम एक सिंगल कार्बन से अटैच है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम हो जाएंगे। लेकिन जब ये कार्बन देखो एक सिंगल कार्बन एटम से अटैच है, ये वाला कार्बन एटम एक सिंगल कार्बन से एटम से अटैच है, तो 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये सेंटर वाला जो कार्बन एटम दिख रहा है आपको, वो कितने कार्बन एटम से अटैच है, 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो कौन सा, 2 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। इसी तरह सेंटर वाला कितने कार्बन एटम से अटैच है, 3 कार्बन से, तो कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस तरह सेंटर वाला कौन सा हो जाएगा, 4 कार्बन से अटैच है, तो 4 डिग्री, ऐसे को अपन क्वार्टनरी कार्बन एटम बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं चीज बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछेगा आप, यानी कि 12th तक में आपके काम आने वाला है। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चीज आपको बतानी है, तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो इनको देखो। नेक्स्ट
एग्जाम्पल देख लें। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, मान लो यहाँ पर पूछ रहा है एग्जाम में, मैंने आपको पूछा ये वाले जहाँ पर डॉट लगा ये वाले पर बताओ कार्बन आइटम, तो दिख रहा होगा दो। ये जो ये अपन कार्बन आइटम रिप्रेजेंट करता है ना इस डॉट को, यहाँ पर कितने कार्बन आइटम से अटैच है, दो से, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन आइटम हो जाएगा। अगर मैं ये वाले को रिप्रेजेंट कर दूँ, इस यहाँ पर डॉट दिख रहा है आपको, तो आप कैसे करोगे, हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन आइटम, दो कार्बन आइटम, तीन कार्बन आइटम से अटैच है, मतलब कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। सेम यहाँ पर मान लो ये भी कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, जैसा वो स्ट्रक्चर वैसा ही है। अगर मैं इसको मान लूँ तो वाला कितने कार्बन आइटम, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से अटैच है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर एक कार्बन आइटम, दो कार्बन आइटम, तीन कार्बन आइटम, चार कार्बन आइटम, कैसे कौन सा हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। अभी नाम पर ध्यान मत दीजिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब वहाँ पर नाम देखेंगे अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, बट यहाँ पर आपको पहचानना है, तो आई थिंक आप अच्छे से नोट कर लोगे। मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब मैक्सिमम लोगों को आती हैं और आसान भी होती हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल कहते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन और ब्रांच एल्केन दिए गए हैं, तो मैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दोगे कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री है, ठीक है ना। मेनली ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप लिख दोगे, ब्रांच एंड एल्केन लिखोगे, और उसके आगे आप लिख दोगे नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, मैं देख लूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एक चीज खत्म।